स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग गन हैज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ के गिवन। तो एक स्प्रिंग गन है तो अंदर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर, बात नहीं बनी, 80 न्यूटन अपॉन 10 की पावर माइनस 2 मीटर, न्यूटन पर मीटर, ऐसा है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, न्यूटन जैसा सेंटीमीटर की नहीं जमेगी। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स, गिवन है 12 सेंटीमीटर, बाय अ बॉल जिसका मास 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg। तो आपने क्या किया, आपने स्प्रिंग को क्या करके रखा हुआ है, कंप्रेस। मतलब वैसे ये स्प्रिंग तो था लंबा कम इसमें गन में, पर आपने इसमें क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया। तो जब आपने इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, मास की, ज़ीरो, ठीक है, और स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग में, एक्स। पोटेंशियल तो लेनी नहीं है कि ग्राउंड पे हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर जब वो कह रहा है कि हाउ मच इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो आसान है, एक्स कंप्रेस किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होगी, बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स पता है, के पता है, आंसर, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ट्रिगर को पुल कर दिया और बॉल जाएगी अब, तो किस वेलोसिटी से बॉल बाहर निकलेगी, ये रही वेलोसिटी निकालनी है बॉल की, क्या है इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, क्या है, ज़ीरो, दबा के रखा है। जब ये स्प्रिंग पूरा खुल जाएगा तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो बॉल बाहर निकल जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस इंस्टेंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस इंस्टेंट पर क्या है, ज़ीरो, तो स्प्रिंग एनर्जी है। इस इंस्टेंट पर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि स्प्रिंग तो अपने नेचुरल पोजिशन पर आ गया, अब तो बॉल निकलने वाली हो गई, जब स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन पे आएगा तो बॉल बाहर निकलेगी विद वेलोसिटी ऑफ वी। तो क्या इक्वेशन बनेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, वी निकालना है, तो वी निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। यहाँ तक क्लियर है, इस क्वेश्चन को करना क्या आंसर है। सॉलिड मास 2 kg, देखो कोई मास है, कितना, 2 kg का मास है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 10 मीटर्स पर सेकेंड, एक स्प्रिंग को जाके ये हिट करता है एंड कंप्रेशन ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो पूरा इसे कंप्रेस करता है और एक्स कंप्रेशन कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये लो, क्या निकालना है, फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो मैंने क्या बताया था, जब ये इसको टच करेगा तो कहानी तभी स्टार्ट होगी, कंप्रेशन स्टार्ट होगा, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, स्प्रिंग एनर्जी तो थी नहीं जब स्टार्ट हुआ था कंप्रेस होना, जब पूरा कंप्रेस हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस इंस्टेंट पर, ज़ीरो, और सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, स्प्रिंग। तो फिर से सेम इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, निकाल लेना जो निकालना है, के निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है, ठीक है। यहाँ तक K की वैल्यू कैसे निकलेगी समझ में आ रहा है, हाँ ऐसा ही है, मीटर में।
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, ये सेम है, कुछ जरूरत नहीं है इसके। इस क्वेश्चन को करना प्लीज, क्या इक्वेशन बनेगी इसमें? एक ब्लॉक है, ये देखो एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2 kg, इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, एच की वैल्यू गिवन है 40 cm, ये लो, और फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है इसमें। व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स जिससे कि स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस होगा। देखो एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग पे जाके बॉल टकराएगी तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ बाय एक्स, ठीक है। ये हाइट क्या है, एच, ठीक है यहाँ तक। तो क्या करवाया था, तो याद है एम जी इंटू यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, एच प्लस एक्स, और फाइनली ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग में, याद है mg into h plus x। वो ट्रे वाला क्वेश्चन सेम, और यहाँ पर स्प्रिंग एक्स जो एक्सपैंड हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर करवाया था ना आज, mg into h plus x = ½ kx². जब भी कोई बॉल, वो मिट्टी वाला एग्जांपल लिया था, ट्रे पे गिरेगी, ट्रे नीचे आएगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा mg into h plus x, और वो सारी एनर्जी किस में दिखेगी आपको, स्प्रिंग की एनर्जी में। क्लियर है? फोर्थ के बाद इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कैसे, देखो एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, एम, तो इसका मास क्या है, एम, इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे, एच हाइट से गिरा और नीचे क्या लगा हुआ था, एक स्प्रिंग, तो ये ऑब्वियसली स्प्रिंग के साथ नीचे आएगा बाय डिस्टेंस ऑफ कितना, एक्स। ये सेम ही तो क्वेश्चन है कि इसके लिए एम जी इंटू एच प्लस एक्स और स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है। आपको इसमें एक्स निकालना है तो बना लो ना क्वाड्रेटिक, एम जी इंटू एच प्लस एम जी इंटू एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय टू, तो यहाँ से के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एम जी एक्स माइनस एम जी एच इक्वल टू जीरो। देख रहे हो एक्स में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक है, रूट लेना, रूट सॉल्व करके आंसर आएगा, देखने में ही है, अंदर से है नहीं, इतना कॉन्सेप्ट वही है, क्वाड्रेटिक का रूट सॉल्व करना है बस। एक